हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ टीएस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। डिजिटल हेडेंड में टीएस को रिकॉर्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब सेट बॉक्स वगैरह डिज़ाइन करा रहे हैं, बॉक्स बनवाते हैं, उस समय आपके हेडेंड को पीट टीएस रिकॉर्डर के थ्रू ही दिया जाता है। तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं ये बताने वाला हूँ कि आप टीएस को किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसे किस तरीके से चेक किया जा सकता है। पूरी जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, फ्रेंड अभी तक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ कि टीएस क्या होता है और किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों बता दूं कि कल मेरे को किसी ने कमेंट करा था, एक सब्सक्राइबर ने, कि हमें बताया जाए कि टीएस किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ आपकी बात मैंने सुन लिया है और आपकी बात सुनते हुए मैं टीएस रिकॉर्डिंग का वीडियो ये बना रहा हूँ। तो बेसिकली टीएस होता क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। टीएस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम। डिजिटल हेडेंड में जितने नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑन करते हो, हर फ्रिक्वेंसी के लिए टीएस यूज होता है और उस टीएस में नंबर ऑफ चैनल्स रहते हैं। सारे नंबर ऑफ चैनल को कहा जाता है एक वर्ड में टीएस, जिसे ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम भी कहते हैं। तो उस टीएस को अगर आपका कोई भी नेटवर्क है, एमएसओ है, डीटीएच है या केबल टीवी है, तो वहाँ पे आपका होम टीएस एक बनाया जाता है। होम टीएस उसे कहते हैं जो बॉक्स का जो फर्स्ट चैनल है उसी टीएस पे आके स्टे करता है। जैसे 306 नंबर है, S21 बैंड पहला फ्रिक्वेंसी होता है। अगर इस फ्रिक्वेंसी में अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉक्स कभी भी ऑन हो और ऑन करे तो डायरेक्टली 306 नंबर फ्रिक्वेंसी का जो भी चैनल हो, LCN सेट की हो आप एज ए लैंडिंग चैनल, वो स्टे हो, ये सारी चीज़ें टीएस रिकॉर्ड करके अपने बॉक्स में इम्प्लीमेंट कराया जाता है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि टीएस रिकॉर्ड दो तरीके से किया जाता है। एक आप एनालाइजर के थ्रू कर सकते हैं और एक टीएस रीडर सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं टीएस रीडर सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, साथ ही कैसे प्ले करके चेक करते हैं वो भी चीज़ें आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और लाइव रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ टीएस रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आपके पास टीएस रीडर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे सॉफ्टवेयर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप जिस ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम का रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसका आईपी होना चाहिए, जैसे कि मैंने एक आईपी डाल रखा है। और सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट होता है इंटरफेस आईपी। तो इंटरफेस आईपी आपको कहाँ से मिलेगा मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस कमांड प्रॉम्प्ट खोल ले, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग टाइप कर ले और आईपी कॉन्फ़िग टाइप करने के बाद आपको देख सकता है कि आपके लैन केबल में कौन सा आईपी डाला हुआ है। जैसे देख सकते मेरा लैन में 192.168.1.200 डाला हुआ है, तो मैं वहाँ पे इंटरफेस आईपी पे सेम चीज़ सिलेक्ट कर चुका हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ओके करना है और ओके करने के बाद देखेंगे स्ट्रीम ओपन हो चुका है। ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे वीडियो डिकोड नहीं हो रहा है, अदरवाइज वीडियो क्लिपिंग भी आती है यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो फ्रिक्वेंसीज डिटेल दिखा रहे हैं, यहाँ पे 306 फ्रिक्वेंसी का मैंने लिया है और इस पे जो चैनल चल रहे हैं 8 चैनल चल रहा है। पहला चैनल का सर्विस आईडी, ये चीज़ जो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम के जस्ट राइट साइड में लिखा होगा, ये दो चीज़ें लिखी है। जो 100 है डेट इज़ LCN चैनल नंबर और 1001 है डेट इज़ आपका प्रोग्राम नंबर और सर्विस आईडी भी कहते हैं उसे। उसके बाद आपका है सर्विस नेम स्टार प्लस, उसके बाद उसका अमाउंट। इस तरीके से हर एक चैनल का यहाँ पे आपको डिटेल दिख रहा होगा, स्टार प्लस, स्टार बार्स, कलर्स, GTV, सोनी, हर एक चैनल का सर्विस आईडी और LCN। आप देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स 3 भी है, 1006 नंबर पे, 230 नंबर LCN पे चैनल आएगा। तो सारा डिटेल यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद दोस्तों आपको PMT पीड मिलता है यहाँ से, EIT, SDT, BAT। अगर आप BAT पे क्लिक करोगे तो आपको BAT से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जो जो चैनल चल रहे हैं ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाता है। उसके बाद NIT है, EIT, NIT, TOT, TDT यहाँ पे शो हो रहा है, प्लस TDT ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इसके बाद रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड वाले बटन पे आना है, रिकॉर्ड मक्स करना है। रिकॉर्ड मक्स करने के बाद आउटपुट टाइप में यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप रखना चाहते हो, जैसे कि डेस्कटॉप मैंने कर रखा है, आप डेस्कटॉप में कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे है कितने MB का फाइल रिकॉर्ड करना है, तो 100-200 सेट ऑफ बॉक्स जब डिज़ाइन होगा तो 200 MBPS लगेगा। तो अप्रॉक्स मैं यहाँ पे 200 MBPS डेटा डाल देता हूँ, या आपकी मर्जी है जितना चाहिए आप उतना रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, बॉटम साइड में स्टार्ट बटन है, तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे सारा स्टेटस दिख रहा है।
तो 200 Mbps मैक्सिमम होता है बॉक्स के डिज़ाइन के लिए। जब आप इस पर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मक्स का ESI, STT, NIT, जिस वजह से बॉक्स डिज़ाइन हो जाएगी। और यहाँ पर रेड कलर वाला जो प्रॉब्लम ये आ रहा है ना, यहाँ पर रेड एंड ग्रीन कलर का एक पॉइंट चल रहा है, इट मीन्स कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और ये जब रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट हो जाएगा और तो आपको ना डेस्कटॉप पे पाथ जैसे रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया और अप्रोक्स फाइल साइज दिखा देता हूँ मैं। फाइल साइज इज 96.5 MB। अब इस फाइल को जब TS रीडर पे ओपन करके चेक कर सकते हैं कि कोई डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो TS रीडर अभी प्ले करना है। TS रीडर में आने के बाद यहाँ पे सोर्स लोकेशन चेंज करना होगा, तभी डेटा फेच हो पाएगा, तभी सेटअप बॉक्स की जो भी चीज़ें हैं। तो सिलेक्ट सोर्स जब चेंज करना होगा तो यहाँ पे अभी मल्टीकास्ट IP पे है, उसके बाद DLL सेलेक्ट करना होगा। DLL पे क्या होगा, जो फाइल रिकॉर्डेड है वो ओपन हो जाएगा, डेटेड है नहीं हमारे पास। तो DLL यूज करके फाइल डॉट DLL एक्सटेंशन जो है ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम, इसे ओपन करो। फिर यहाँ के बाद आने के बाद आपका जो फाइल है, जो मैं फाइल रिकॉर्ड करके किया हूँ, उस फाइल को यहाँ से ओपन करना होगा। ये वाली फाइल है और जैसे ही ओपन करोगे आप, स्टार्ट ओपन होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, SDT, BAT, TOT, TTT। तो ये चीज़ें ही ज़रूरत होती है सेट बॉक्स डिज़ाइन के लिए। तो बॉक्स में जब डिज़ाइन होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले SDT इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बैट एलोकेशन टेबल आ रहा है, TOT आ रहा है, TTT आ रहा है, देन NIT, EIT, देन कैश का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट जब होगा तभी बॉक्स वर्क कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर किस तरीके से TS रिकॉर्ड किया जाता है, उसे कैसे प्ले किया जाता है, सारा चीज़ें मैंने आपको बताया है। उम्मीद है दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।